सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र, मेंटर ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। सर, आप में से बहुत से बच्चे फिजिक्स वाला से पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में, प्रयास, अर्जुना, ये सारे बैचेस में। तो बहुत से बच्चों को सेल्फ डाउट आ रहा है कि भैया क्या मैं जेईई मेंस और एडवांस के लिए अगर मैं फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स को अगर सॉल्व करता हूँ, स्टडी मटेरियल से पढ़ता हूँ, तो क्या मेरा जेईई मेंस एडवांस क्लियर होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज देखी और लोगों ने व्यूज के चक्कर में कुछ भी वीडियो के अंदर बोल रखा है कि फिजिक्स वाला के मॉड्यूल सफिशिएंट नहीं है, उससे आपका मेंस भी नहीं क्लियर होगा, बोर्ड्स लेवल के मॉड्यूल है। तो इससे रिलेटेड पिछले 10 दिन से हमने प्रॉपर फिजिक्स वाला के सारे स्टडी मटेरियल, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, मॉड्यूल्स को अच्छे से एनालाइज करा। 50 से भी ज्यादा आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के टॉपर जिन्होंने फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स और स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करी है, उनसे बातचीत करी, उसके बेसिस पे एक ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो होने वाली है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को सेल्फ डाउट आ रहा है अपने इंस्टीट्यूट को लेके कि जिस इंस्टीट्यूट का मैं स्टडी मटेरियल मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूँ, जिन टीचर्स से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा जेईई मेंस एडवांस क्लियर होगा। तो इसीलिए हमने अच्छे से एनालिसिस करी और एक ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो बनाई है। तो देखो यार, जेईई मेंस के लिए मॉड्यूल्स की बात करें फिजिक्स वाला के, तो मोर देन इनफ है, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस के लिए। सिर्फ आपके मॉड्यूल्स को 4 से 5 बार हर एक चैप्टर के आपको सॉल्व करना है, आराम से अंडर 1000 जेईई मेंस के अंदर रैंक ला सकते हो। और इस बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस के अंदर रैंक लाए। तो मॉड्यूल्स को अच्छे से 4 से 5 बार सॉल्व करना है। और मॉड्यूल से भी अच्छे हैं फिजिक्स वाला के डीपीपीज और जो क्वेश्चन बैंक और डीपीपी को मानना पड़ेगा, जो उनका क्वेश्चंस का लेवल है बहुत अच्छा है, उनको आपको टाइमली सॉल्व करना है। तो फिजिक्स वाला के जेईई एडवांस की मॉड्यूल्स की बात करें, तो जब हमने प्रॉपर एनालाइज करा, टॉपर्स का रिव्यू लिया, तो देखो यार, एडवांस के लिए कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं है जो सफिशियंट हो। हर साल पेपर का पैटर्न जेईई एडवांस का अलग होता है, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप डाइव करना पड़ता है क्वेश्चंस के अंदर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जेईई एडवांस के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स हैं, साथ साथ जो जेईई एडवांस की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे सिंगेज हो गई, डीसी पांडे आपकी, एचसी वर्मा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, आपके नरेंद्र अवस्थी, एमएस चौहान ऑर्गेनिक के लिए हो गई, उसके बाद ब्लैक बुक हो गई मैथ्स के लिए, और जो आशीष अरोड़ा सर की 700 एडवांस इलस्ट्रेशन है, इन बुक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे एडवांस के लिए, उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी जेईई एडवांस। तो मॉड्यूल्स के साथ साथ इन इंपॉर्टेंट बुक्स के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और फिजिक्स वाला के टीचर्स की बात करें, तो टीचर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये सचिन सर हैं, मैथ्स के वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं फिजिक्स वाला, हमारे ही कॉलेज से हैं वो, अपने बहुत से बेस्ट टीचर्स हैं फिजिक्स वाला के अंदर, तो टीचर्स का कोई कंपैरिजन नहीं। तो मॉड्यूल्स की हमने ऑनेस्ट रिव्यू कर दी है, मॉड्यूल्स जेईई मेंस के लिए सफिशिएंट है फिजिक्स वाला के, डीपीपी और क्वेश्चन बैंक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जेईई एडवांस के जो मॉड्यूल्स हैं उनको करने के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट बुक्स के क्वेश्चंस करने हैं। तो इम्पोर्टेंट बुक्स का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। और एट द एंड यार, मेहनत आपको ही करनी है, इन सब चक्रों में मत पड़ो, मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं, बस अपने टीचर्स पे भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। और ये ऑनेस्ट रिव्यू लाना बहुत जरूरी था, बिकॉज लाखों बच्चे आज की डेट में फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल पक्का ज्वाइन कर देना।